क्या इंसानी जीवन में कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई हल नहीं हो और इंसान इतना मजबूर हो जाए कि जानबूझकर अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर ले, यानी सुसाइड कर ले, खुदकुशी कर ले। आज मैं इसी विषय पे आप सभी से, अपने विद्यार्थियों से, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन जुड़े हुए हैं हमसे लाभान्वित हैं, उनसे बात करने आया हूँ। आप सभी सुने होंगे एक बहुत ही दुखद घटना की है कि युवा सेलिब्रिटी बॉलीवुड से रिलेटेड जिन्होंने कि क्या वजह रही और अपने जीवन लीला जानबूझकर समाप्त कर लिया, खुदकुशी कर लिया, आप सभी को पता होगा। आखिर सब कुछ रहते हुए, सफलता हाथ में रहते हुए, किसी चीज की कमी नहीं रहते हुए, ऐसा जीवन में किसी इंसान के लाइफ में क्या समस्या आ जाती है जिसका कि संसार में कोई हल ही नहीं हो और उसका सिर्फ एक ही हल दिखाई पड़ता है कि अपने लाइफ को ही समाप्त कर लिया जाए। क्या वाकई में ऐसी भी कोई समस्या जिसका संसार में कोई हल नहीं है? अपने लाइफ के एक्सपीरियंस पर और कुछ मैंने ऐसा वाक्य, कुछ ऐसी घटनाएं पढ़ी, कुछ बुक्स के माध्यम से, कुछ विचारों के माध्यम से मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रखना चाहूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली बात कि ग्रंथों में भी दर्शाया गया, चाहे तो आप भागवत गीता पढ़े हों या बड़े बड़े ग्रंथों का आप अध्ययन करिए, कि दुनिया में कोई भी समस्या ऐसा नहीं है। मैं शारीरिक समस्या की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि शारीरिक रोग कुछ ऐसे हैं जिसका जो लाइलाज है, जिसमें इंसान को जाना ही पड़ता है, लेकिन मानसिक जो परेशानियां उत्पन्न होती है, चाहे वो सफलता के लेके हो, फैमिली के लेके हो, या जैसी भी समस्या हो, उसका हल है, 100% है। कोई ऐसा दुनिया में समस्या ही नहीं है जिसका हल नहीं है। फिर भी आज ये जो डिप्रेशन जो है, जो कि सबसे खतरनाक रोग है, एक तरीका से आप बोल सकते हैं कैंसर और मतलब बड़े बड़े भयानक रोग जिसमें इंसान नहीं बच सकता, उससे भी ये खतरनाक है। इंसान को अंदर अंदर ही अंदर अच्छे भले इंसान को भी समाप्त कर देता है, खोखला कर देता है, और बहुत ही खतरनाक कदम उठाने के लिए इंसान मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो पाता है जबकि हर समस्या का कुछ ना कुछ हल है? समय के साथ कितना भी बड़ा परेशानी हो, उसका हल निश्चित रूप से है, बस उसका हल निकालने की जरूरत है। मैं कोई वक्ता प्रवचन करता या ऐसा कोई मतलब कि जानकार नहीं हूं डिप्रेशन के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप हमारे विद्यार्थी हैं, हम सभी भी एक इंसान हैं, हमारे साथ भी आम घटनाएं होती रहती है, मजबूरियां आती है, परेशानियां आती है, तो ये सब चीज से रूबरू होना बहुत जरूरी है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैं इस पॉइंट पे आपसे बात करना जरूरी समझा है। अच्छा लगा है तो लास्ट में एक लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा यदि अच्छा लगे तो हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग एक तरीका से सोचेगा तो एक किस्मत वाले व्यक्ति हैं कि हम लोगों के जीवन में संघर्ष दिया गया है। जिसके जीवन में संघर्ष है, परेशानियां हैं, जीवन को जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तकलीफें हैं, उनके लिए भगवान ने, परमात्मा ने, जिनको भी आप मानते हैं, उनको आप धन्यवाद करिए कि वो हमें लड़ने के लिए सिखा रहे हैं कि यदि बड़ी बड़ी परेशानियां आएगा तो उसका सामना हम कैसे कर सकते। सो प्लीज उसका सामना करना सीखिए, क्योंकि देखिए जो बच्चा बचपन से ऐसी स्थिति में पलता पड़ता है जिसमें उसको ज्यादा मेहनत करना पड़े, संघर्ष करना पड़े, वो ताकतवर होता है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। इसलिए परेशानियां जितनी भी आती है उसका स्वागत करें और हम लोग उसके साथ रूबरू हों ताकि हमारे अंदर वो कैपेसिटी आ जाए, वो परेशानियों से लड़ने की इम्यूनिटी आ जाए। तो शारीरिक इम्यूनिटी होती है शारीरिक बीमारियों से लड़ने की, वो परेशानियों से लड़ने की इम्यूनिटी हमारे माइंड को आ जाए। मैं एक कहानी से इसको आप सभी को समझाना चाहूंगा कि एक बहुत ही व्यस्त कहानी मैंने पढ़ा था पेपर में और ये वास्तविक कहानी है, वास्तविक घटना पर आधारित कहानी है कि एक बार की बात है, मैं पेपर में पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति जो कि बहुत ही बड़े घराने से बिलोंग्स करता था, बहुत ही बड़े घराने से, और बचपन से वो सारे सुख सुविधाओं से लैस था, बचपन से ही वो बार बार एग्जाम देते गया, तरह तरह के मतलब कि फैसले लेता गया और सभी में सफलता हासिल करते चला गया, सभी में टॉपर करते चला गया और अंततः वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया और अमेरिका में जाके सेटल हो गया। हमेशा सक्सेस होते गया, कभी उसने असफलता का मुंह नहीं देखा। और एक बार एकाएक
पेपर में आया कि वो व्यक्ति जो हमेशा सफल होते गया और करोड़ों करोड़ों अरबों डॉलर का मालिक बन गया, बहुत बड़ी संपत्ति बना लिया, वो एक दिन खबर आती है कि वो सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया, आत्महत्या कर लिया, अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लिया। अब उसके पीछे रीजन जानने का प्रयास किया गया तो जो तथ्य लिखा हुआ था वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। उसका कंपनी जो भी उसने बिजनेस अंपायर खड़ा किया था वो घाटे में चल रहा था और एकाएक घाटे में चला गया जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपने लाइफ को ही समाप्त करना उचित समझ लिया। आप सोचिए, और हम लोग यही कामना भगवान से करते रहते हैं और अपने किस्मत के लिए रोते रहते हैं कि हम बार बार असफल होते रहते हैं, और वो व्यक्ति बार बार सफल होते चला गया, ऊंचाइयों पर पहुंच गया, फिर भी उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? इसका रीजन है कि उसने कभी परेशानियों से लड़ने की कला ही नहीं सीख पाई, क्योंकि उसे परेशानी आई ही नहीं, उसका सामना करने का उसके पास हिम्मत इम्यूनिटी ही नहीं हो पाया, इसलिए डायरेक्ट परेशानी आया और वो बर्बाद हो गया। सो प्लीज, हम सभी के पास संघर्ष है, परेशानियां है, व्यवस्था कम है, फिर भी हम लोग भगवान को, परमात्मा को धन्यवाद दें कि वो हमें लड़ने के लिए सिखा रहा है कि आगे की लाइफ हमारे लिए आसान हो, हम बहुत सक्सेस होके फिर कभी असफल हो जाए तो हम उसको बर्दाश्त कर पाए, उसको हम एक्सेप्ट कर पाए और फिर से आगे बढ़ते रहें, क्योंकि संसार में कोई ऐसी मानसिक समस्या नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, ग्रंथों में भी बताया गया है और ये रियलिटी है, आप खुद से विचार कर सकते हैं, सभी परेशानियों का कहीं ना कहीं हल है, बस ढूंढने की जरूरत है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि हमें जो जिम्मेवारी मिली है लगातार उसका पालन करते रहें, लगातार आप मेहनत करिए, मैं लगातार आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, सफलता निश्चित ही लगेगी। बहुत सारे विद्यार्थियों का शिकायत ये होता है कि वो एक दो बार, मैंने ऐसे ऐसे विद्यार्थी से भी मिला है कि एक दो बार वो असफल होते हैं, उसके बाद एग्जाम देना ही छोड़ देते हैं, पूरे खत्म कर देते हैं कि अब हमसे ये होने वाला नहीं। अरे भैया, बहुत सारे तो इतना बोले हैं कि सर एक दो बार एग्जाम देने हुआ तो दिल ही टूट गया, लगता है जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं तो जो पढ़ाई है उस पर आप एहसान कर रहे हैं। कितनों, देखिए, हारना गलत बात नहीं है, फेल होना भी गलत नहीं, लेकिन दोबारा प्रयास नहीं करना सबसे बड़ी गलत बात है, सबसे बड़ी, क्योंकि लाइफ मतलब मानव जीवन बहुत अनमोल है, पता नहीं कितने जन्मों के बाद ये मिल पाता है। ग्रंथों में दर्शाया गया 84 लाख योनियों में एक सर्वश्रेष्ठ मानव योनि है, ये हमें बहुत ही कृपा करके भगवान ने, परमात्मा ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, गॉड ने, जिसे भी आप मानते हैं, वो हमें दिए हैं। इसका सही इलाज करें, लगातार मेहनत करें, संघर्ष आ रहा है उसका स्वागत करें, लगातार प्रयास करते रहें, एक दिन सफलता निश्चित मिलेगी। जिस क्षेत्र में हम मेहनत कर रहे हैं यदि सफल होने में देर हो रही है तो एक्सपीरियंस ज्यादा आएगा, और ज्यादा एक्सपीरियंस आएगा तो आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे, और जो आने वाले आपके नीचे लोग हैं, जूनियर लोग हैं, उनको आप अपने एक्सपीरियंस साझा कर सकते हैं। यह सबसे बड़ी फायदा होती है बार बार असफल होने का, इसलिए कभी भी असफलता से नहीं डरें, डटकर सामना करें, और कभी भी ऐसा माइंड में निगेटिव थॉट्स आने ही नहीं दे कि कोई ऐसा समस्या भी है जीवन में जो जिससे कि अपने लाइफ को ही समाप्त कर लिया जाए। अब आजकल के युवा बहुत सारे डाइवर्ट हो रहे हैं, जैसे कि आपको गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या लव, प्यार मोहब्बत के चक्कर में बहुत सारे अपने लाइफ को डाइवर्ट करके और उस रिलेशनशिप के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन सोचिए, एक सेकेंड भी कोई व्यक्ति सोच ले कि जिसके बातों पर या जिसके चलते आप अपने इस लाइफ को समाप्त करने का मतलब कि प्रण ले लिया है, संकल्प लिया कि समाप्त ही कर देंगे, क्या कभी वो व्यक्ति जिसने ऐसा कदम उठाया हो अपने फैमिली के बारे में यदि एक सेकेंड भी सोच लिया होता कि हमारे ऊपर उनका क्या एहसान है, तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगा। क्योंकि देखिए, हम अपने आप में क्या है नहीं है, इस संसार के लिए क्या है कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कोई एक व्यक्ति संसार के लिए कुछ रहे या नहीं रहे, लेकिन अपने फैमिली के लिए, अपने गार्जियन के लिए, अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया होता है, पूरा संसार होता है, पूरा फैमिली का दुनिया ही वो होता है। तो प्लीज, आप सभी विद्यार्थी लगातार मेहनत करते रहें, यदि आपका रिजल्ट होने में देरी होता है, रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो उस पर आप खुद से अलग से मंथन करें कि हमें कुछ कमी रहा होगा, और दुगनी एनर्जी के साथ आप मेहनत करें। यदि कोई परेशानी हो रहा है तो आप अपने से, जिन्हें आप आदर्श मानते हैं, जिनके कॉन्टेक्ट में रहते हैं, उनसे रूबरू हो, उनसे बात करें, उन समस्याओं का वो हल बताएंगे, उस पर चल के आप सक्सेस होंगे, हम सक्सेस होंगे, एक दिन सफलता हमारे हाथों लगेगी। और देखिए,
इंसान जिस भी स्थिति में जीना तो हर हाल में लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। कम से कम 75% लोग ऐसे हैं जो हमसे भी लो जिंदगी जी रहे हैं फिर भी वो खुश हैं। तो हमेशा खुश रहना सीखें और लगातार मेहनत करते रहें, निश्चित है एक दिन सफलता हमें मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद और हम सभी मिलकर लगातार मेहनत करते रहें, सफल होंगे। भगवान से यही प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। एक बार चैनल को विजिट जरूर करिएगा, लोगों को टच करिए, प्लेलिस्ट देखिए और पूरा तैयारी करिए। और इस बार रेलवे, SSC जो भी आपका टारगेट है, निश्चित रूप से सफल होइए, खुश रहिए, लगातार तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।